जो हालात बने हुए पिछले 10 दिनों से, जो वहाँ पर राजनीतिक एक तरीके से घेराबंदी देखने को मिल रही है, इन तमाम विषयों पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। और हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी से नीता वाजपेयी, वो हमारे साथ जुड़ेंगी। नीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में शामिल होने के लिए। इसी तरीके से टीएमसी के प्रवक्ता शुभंकर भट्टाचार्य, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट पर भाग लेने के लिए। इसके अलावा पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हमारे साथ राहुल तलन जी शामिल हो रहे हैं, आपका भी इस डिबेट पर भाग लेने के लिए बहुत बहुत आपका स्वागत है। और सबसे पहले नीता जी से ही सवाल ले लेता हूं। नीता जी, आप महिला हैं और देश के प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसी देश में एक राज्य ऐसा भी है जहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले मुख्य आरोपी को पकड़ा ही नहीं जा रहा। पिछले कई दिनों से वो भाग रहा है और वहां की पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है। जी, सबसे दुख की बात यह है कि इस सूबे की बात हो रही है जिसकी मुख्यमंत्री भी एक महिला है, इससे बड़ा दुखद क्या होगा। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि आज 10 दिन हो गए और वहां की पुलिस, राज्य की पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी नहीं कर पाई है, और उसके बाद भी ये आरोप लगाया जा रहा है प्रदेश की तरफ से कि ये सब कुछ मनगढ़ंत है, बीजेपी का किया जा रहा है या सब पॉलिटिकल है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। महिलाओं की पीड़ा, महिलाओं ने पोस्टर तक लगा रखे हैं डर के अपने कि वहां पे पोस्टर लगा हुआ है कि इनको गिरफ्तार किया जाए वरना हमारे जान को खतरा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी इतनी, अगर वहां पे भयानक स्थिति है तो शर्म टीएमसी को आनी चाहिए। और सबसे कमाल की बात है, मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है इस बात पे कि हमारी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इन लोग कहाँ हैं, जो कि घड़ियाली आज से कहीं भी किसी भी प्रदेश में कुछ भी होता है जाके वहां पे पूरा अपना टेंट वेंट लगा के बैठ जाते हैं, आज वो कहाँ हैं? गठबंधन की मजबूरी है क्या ये टीएमसी से जो उन्हें वहां जाने से रोक रही है या उनके ऊपर कहने कुछ कमेंट करने से रोक रही है? वहां पे क्यों नहीं जा रही है सारे शुभंकर जी? गाजा पट्टी पे वो जी, बिल्कुल नीता जी आप सही कह रही हैं। और शुभंकर जी से इसका जवाब भी ले लेते हैं, एक महिला मुख्यमंत्री, उसके राज्य में महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है और जो मुख्य अभियुक्त है वो पिछले कई दिनों से फरार होता है और उसे पकड़ा नहीं जाता है, इसे क्या कहेंगे शुभंकर जी? सबसे पहले तो मैं कहूंगा किसी भी राज्य में, देश में, किसी भी कोने में अगर महिलाओं के साथ कहीं पे भी कोई उत्पीड़न होता है तो दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो चाहे संदेशशाली हो, वो चाहे हाथरस हो, वो चाहे आप यूपी के उन्नाव में जो कांड हुआ वो हो, तो कहीं पर भी जो कांड हुआ होता है उतना ही दुखद है। और उसमें चाहे कुछ एक शाहजहां चाहे उसमें से लिप्त हो या उसमें आपके विभूषण शरण नगर में, इन दोनों बातों को अगर हम लोग एक तरीके से लेके चले, अगर वहां पे शेख साजा नहीं पकड़े जा पा रहे जैसे, बिल्कुल कमी है। आप उसके लिए जितना आप अगर बातों का जो कंडेम जो किया जा रहा है वो बिल्कुल सही है, मैं उसको गलत ही मानता। भले टीएमसी चाहता हूँ लेकिन इस बात को हम लोग अंदर चीज को कहते कि भाई शेख साजा पर जितना जोर बनना चाहिए तो उतना ही बनाया जा रहा है, लेकिन शेख साजा फिर भी फरार है, ये भी हकीकत है और इस पर कहीं से हम लोग गर्व नहीं कर रहे। लेकिन साथ ही में एक बात जरूर है, इसको लेके जो चुनावी मुद्दा जिस तरीके से बना है, इससे कहीं बड़ा मुद्दा जो हुआ था जो विभूषण शरण को लेकर था, इतने बड़े नेता को लेकर था, मैं पूछना चाहता हूँ क्या किया आपने उसने, आज तक क्या किया? कुछ नहीं किया। तब महिलाओं की बात कही है, बिल्कुल सही है। आपने जो बात में उंगलियां उठाई कि वहां पर भाई मुख्यमंत्री एक बंगाली महिला है, तब ऐसी बात हो रही है, बिल्कुल ये कहना आपके लिए नेता जी बिल्कुल जायज है। लेकिन सवाल यह है क्या वो महिलाएं नहीं पूछना चाहता हूँ अभी आपने एक रिपोर्ट चलाया, आपने बीजेपी के लोगों की बात सुनाई, मुझे टीएमसी के आदमी की बात क्यों नहीं सुनने चाहिए? आरसीपी की बात सुनाइए ना, रिपोर्ट में क्यों नहीं शामिल करते आप लोग? उनसे भी सवाल उनसे पूछिए, आज पावर द क्वेश्चन, लेकिन वही चीज हम केंद्र के साथ भी करना चाहिए, आप पावर का क्वेश्चन ही रहना था सेंटर, वो भी तो हम लोग नहीं कर रहे जी, बिल्कुल। नीता जी से बात भी करूंगा, नीता जी से जवाब लेंगे, लेकिन एक सवाल राहुल तलन जी जो पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हमारे साथ मौजूद है उनसे भी एक सवाल ले लेता हूं। राहुल जी,
टीएमसी नेता का आरोप लगता है शाहजहां शेख, उसको ये कहा जाता है कि टीएमसी का वो जिला स्तरीय बड़ा नेता वहां पर है, उसके ऊपर जमीन हड़पने के आरोप, उसके ऊपर यौन उत्पीड़न के आरोप, उसके ऊपर राशन घोटाले के आरोप, उसके ऊपर ईडी पर हमले के आरोप, उसके बाद भी वहां की पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही, इसे क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे पुलिस की विफलता है, और पुलिस एक ऐसी इकाई है जो राज्य सरकार के अंतर्गत काम करती है, मुख्यमंत्री के अंतर्गत काम करती है, और जिसकी सरकार होती है मुझे नहीं लगता है कि किसी भी पुलिस में हिम्मत है कि उस सरकार की बात को टाल सके। तो अगर जो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है तो उसके पीछे रीजन है, क्योंकि टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी पुलिस को वो छूट नहीं दे सकती है, क्योंकि जो भी तीनों जो दो गिरफ्तार भी हुए हैं वो भी टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, और तीसरा जो भी फरार है वो भी टीएमसी का कार्यकर्ता है। बिल्कुल, देखिए सवाल ये है कि जैसे टीएमसी के जो नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो डिफेंड कर रहे हैं, एक घटना से नेताओं की बड़ी दिक्कत ये है कि एक घटना से दूसरी घटना को कंपेयर करने लगते हैं और अपने वाली घटना पे पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। देखिए ये बहुत दुखद है, ये बहुत शर्मनाक है कि जब आप एक नेता के तौर पे आप इस देश को क्या संदेश देना चाहते हैं कि कहीं दूसरी घटना हुई तो अपने यहाँ की घटना को आप जस्टिफाई करेंगे, पहले आप बोलेंगे कि शर्मनाक है और फिर जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। जो संदेश खाली में हुआ है वो बहुत दुखद है, और इसके पीछे अगर जो वो तीनों लोगों ने यौन शोषण किया, उत्पीड़न किया है, तो राज्य सरकार की पावर है, किसकी हिम्मत है कि राज्य सरकार अगर जो किसी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहे, पुलिस कार्रवाई करना चाहे और कार्रवाई ना हो और पुलिस से कोई बच जाए। देखिए दिक्कत ये है कि पुलिस को कोई कार्रवाई करने नहीं दे रहा है, शाहजहां से गिरफ्तार नहीं हो सकता है, हो सकता है लेकिन उसको पुलिस पे एक दबाव है, तो उस दबाव को और इस दबाव से मुक्त करने का एक ही तरीका है, पूरे देश में पुलिस सुधार लागू किए जाएं। जब तक इस देश में पुलिस सुधार लागू नहीं किए जाएंगे, राहुल जी एक सवाल नीता जी से ले लेता हूं। नीता जी, शुभंकर जी कह रहे हैं कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर भी महिलाओं के साथ उत्पीड़न होते हैं, वो ये कह रहे हैं कि घटना तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी को भी उस पर कह रहे हैं कि जहां जहां बीजेपी के स्टेट है, जहां पर बीजेपी सत्ता शासित है, वहां पर भी उन्होंने कनेक्ट कर दिया कि वहां पर भी महिला उत्पीड़न हो रहे हैं, इसलिए यहां अगर हो रहा है तो कुछ गलत नहीं हो रहा है। सबसे दुखद चीज यही है, जबकि कोर्ट ने भी इनको बहुत बुरी तरह से इस बात पे झाड़ा है कि किसी भी स्टेट के किसी भी उससे कंपेयर इसको प्रदेश पाली को नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इन लोग उसको भी नहीं मान रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। कहीं भी दुखद घटना है, ये महिलाओं के साथ अगर गलत होता है तो वो दुखद है और बहुत ही शर्मनाक है हर स्टेट के लिए, और एज अ महिला मेरे लिए भी बहुत शर्मनाक है, आप लोगों के लिए भी, सबके लिए है। लेकिन उसके पीछे छुप के आप संदेश खाली को अगर छोटा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं तो गलत है। सबसे बड़ी चीज ये है कि डीजीपी सूबे के डीजीपी जाते हैं, रात भर वहां रुकते हैं, लेकिन कोई नहीं, कहीं ठंडन गोपाल कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई कहीं से कोई भी लिखित वो नहीं है कि हाँ वहां पे क्या करना चाहिए। बस सबको सजा मिलेगी, कब मिलेगी भाई साहब, कब गिरफ्तार होंगे? 10 दिन हो गया आज, और जो वहां पे जाना चाह रहा, कैसे महिलाएं क्या क्या बोल रही हैं कि हमें बुलाया जाता था, गाड़ी पे बिठा के जबरदस्ती ले जाया जाता था, हमें सेक्सी बोला जाता था, ये क्या चीज है, क्या चीज है? और ये पूरा सामूहिक रूप से, एक दो की बात नहीं हो रही, सामूहिक रूप से ये चीज हुई है, इससे बड़ी शर्मनाक चीज आप लोग कैसे डिबेट भी कर पा रहे हो? टीएमसी के लोगों को तो शर्म के बारे आना भी नहीं चाहिए डिबेट में, कैसे आ रहे हैं आप लोग? पहले जब शुभंकर जी गिरफ्तार नहीं करते तब तक आप लोग किसी जी, डिबेट जी, नेता जी, शुभंकर जी से भी एक सवाल ले लेता हूँ। शुभंकर जी, जो वीडियो वायरल हुआ है वो दिल दहला देने वाला है, अगर वो सच है उसमें जो कहा गया है महिलाओं की तरफ से वो वाकई दिल दहला देने वाला है, और मुझे लगता है कि इस घटना पर जस्टिफाई करना और ये कंपेयर करना कि बीजेपी की स्टेट पे भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक तरीके से न्यायोचित बात नहीं होगी टीएमसी की तरफ से। देखिए जब बुलाते हैं तो मैं से बात रख सकता हूँ, न्यायोचित हो सकता है, गुनाचित है नहीं है, ये तो आपकी जनता तय करेगी। दूसरी बात, अभी नीता जी बहुत जोर जोर से कह रही थी आप किस मुंह से आ सकते हैं जब आपके प्रदेश में इस तरीके से, और आप किस मुंह से आते हैं, मैं उसी मुंह से आ सकता हूँ जिस मुंह से आप लोग आते हैं, जब आपके इसमें स्वामी नित्यानंद, चिन्मयानंद
और आसाराम बापू इन जितने लोगों को आप लोगों लखनऊ में समेट रखा है उनके होने के बावजूद ब्रिजभूषण शरण से होने के बावजूद जिस मुंह से आप लोग आते उसी मुंह को लेकर मैं भी आता हूँ। जितने सरकार आप हो उतने संसार मैं हूँ। बात जहां से कंपेयर कर लेके आती कंपेरिजन तो है ही दुखद बहुत चीजें है। दुखद तो ये भी है कि यहाँ पे एक राजनीतिक विश्लेषक आते हैं लेकिन उनको सिर्फ एक पार्टी की गलत दिखाई देती दूसरी नहीं दिखाई देती। तो यहाँ पे कोई न्यूट्रल मेंटालिटी की तो बात करिए मत, वो तो है ही। अब आपको तो बात जाके आप संजय शाली की बार बार बात करें, आप उसी संजय शाली की बात कर रहे हैं ना, जहाँ पे दो दिन के अंदर उन सब लोगों को 14 लोग अरेस्ट हो गए थे तुरंत ही तुरंत, वहां पे शेख शाहजहां के ऊपर आज FIR है और हुआ तो तुरंत से तुरंत। लेकिन मैं आपको बता दू तेनी जी के ऊपर आपको FIR करने में लग गए थे 3 महीने, किस मुंह से आप डिबेट कर रहे थे? आपने प्रियंका गांधी को जाने दिया था क्या? प्रियंका गांधी लखनऊ जा रहे थे याद है आप लोगों को वहां पे बंद करवा दिया था जहां पर उनको झाड़ू लेकर फोटो 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 खींचा गया था आपने का फोटो ऑफ हो रहा है आप लोगों ने करवाया था। आपको याद है डेरेको ब्रांड कौन है? डेरेको ब्रांड को वहां पे रोक लिया गया, यूपी में रोक लिया गया था, वो एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया। नीताजी आपको आपको जवाब देना है इस बात का, नेताजी आपको जवाब देना है इस बात का। जी मैं इस चीज का मैं हर पैनल पे हर टाइम में हर डिबेट में बैठी हूँ, मैंने हर चीज का खुल के विरोध किया है और हमारी पार्टी हर चीज का विरोध करती है, खुल के विरोध करती है। प्रियंका गांधी ने जाके वहां पे बैठ के सबका आंसू नहीं पोंछे थे, फेक पूरा ड्रामा क्रिएट किया था। लेकिन आप किसी चीज के पीछे कैसे छुप सकते हो? मुख्यमंत्री महिला आपको दे रहे हैं इसके पीछे छिपके सारी चीजों को आप वॉश आउट करना चाह रहे हैं। बाबा हम लोग तो सामने हैं, आपको दीदी के लिए आए थे आपके डीबीपी। नेताजी शुभंकर जी आपके पास फिर आएंगे, एक राहुल जी से सवाल ले लेता हूँ। राहुल जी वहां पर महिला महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा जी वो पश्चिम बंगाल गई और वहां पर डीजीपी से मिली, डीजीपी राजीव जी से उनसे मिली और इस मुद्दे पर उन्होंने बातचीत की। राजीव जी का जो जवाब था रेखा शर्मा जी ने खुद कोट किया है और उन्होंने ये कहा कि हमारे पास इस मामले पर यानी कि संदेश खाली मामले पर कोई FIR शेख शाहजहां के खिलाफ नहीं है, ईडी को गिरफ्तार करना चाहिए, यानी कि उन्होंने साफ तौर पर अपना पल्ला झाड़ लिया। पश्चिमी बंगाल की पुलिस ने शेख की गिरफ्तारी को लेकर अपना पल्ला साफ तौर पर झाड़ लिया इतने बड़े मुद्दे पर, जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं अगले 1 तारीख 2 तारीख और 6 तारीख को पश्चिम बंगाल के दौरे पर है, क्या कहेंगे इसको? देखिए राजनीति से पर एक चीज में बोलना चाहूंगा कि देखिए अगर जो वहां के डीजीपी पल्ला झाड़ते हैं तो वो बता रहे हैं कि मैं राज्य सरकार के अंडर काम करता हूं और राज्य सरकार से जो मुझे निर्देश मिलेंगे उन पे काम करूंगा। बात कर रहे थे टीएमसी के प्रवक्ता की सेलेक्टिव अप्रोच की बात कर रहे थे कि भाई बीजेपी के शासन काल में या राज्यों में जो होता है उस पर कोई बात नहीं होती है। देखिए चाहे बीजेपी के शासन काल में हो, टीएमसी के शासन काल में हो, आम आदमी पार्टी के शासन काल में हो, जिन राज्यों में इनकी सरकार है वहां हो, कांग्रेस के राज्यों में हो, कम से कम इन नेताओं में इतनी नैतिकता होनी चाहिए कि वो जाएं और अगर जो कहीं शोषण हुआ है, महिलाओं के साथ ज्यादती हुई है, वहां खुल के बोलें। लेकिन दिक्कत क्या है कि टीएमसी वाले बीजेपी की बात करेंगे, बीजेपी वाले टीएमसी की बात करेंगे, आम आदमी पार्टी सबकी बात करेगी, कांग्रेस प्रियंका गांधी बीजेपी के शासन काल में कुछ हो जाए लेकिन राजस्थान पे चुप्पी साध लेंगी। क्या महिला भारत की कोई भी महिला चाहे वो संदेश खाली की हो या हाथरस की हो क्या उसमें अंतर है? क्या उसके जो अधिकार हैं जो संविधान ने दिए उनमें अंतर है? तो सवाल ये है कि इन नेताओं में नैतिकता नाम की चीज नहीं बची है, ये इस देश को बेवकूफ समझते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन जब तक लोग एकदम जागरूक नहीं होंगे, देखिए कैसे टीएमसी के प्रवक्ता बेशर्मी से, मैं बोलूंगा बेशर्मी से डिफेंड कर रहे हैं बीजेपी के शासन काल को लेके और मुझे भी आरोपित कर रहे हैं कि भाई मैं सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष की बात कर रहा हूं।
मैं बोल रहा हूं कि आप कोई भी इस देश में, जब सुप्रीम कोर्ट ने 2007 से कितनी बार राज्यों को नोटिस भेजा है कि पुलिस सुधार लागू करिए, कोई राज्य तैयार क्यों नहीं है पुलिस सुधार लागू करने के लिए? कोई बताएगा? बीजेपी के प्रवक्ता या टीएमसी के प्रवक्ता बताएंगे किसने पुलिस सुधार लागू किए? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सवाल बनता है आपका, किसी को भी बिल्कुल सवाल बनता है। और इस मुद्दे पर पिछले कई वर्षों से बातचीत चल रही है, डिस्कशन चल रहा है कि ये पुलिस सुधार एक्ट लाया जाए, पुलिस पर एक तरीके से ऐसी व्यवस्था थोपी जाए जिससे कि जो कानून व्यवस्था है उस पर बेहतर उसको किया जा सके, अपराधियों पर लगाम कसी जा सके, कानून व्यवस्था को बेहतर किया जा सके। नीता जी आपसे एक अंतिम सवाल ले लेता हूं, टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मुद्दे को हाइप देना यह चुनावी स्टंट है, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी इस मुद्दे को बड़ा करना चाहती है क्योंकि उसको इससे फायदा मिलता दिख रहा है। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं, इसमें बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। अगर कैसे छोड़ सकते हैं आप बताइए, अगर ये कभी भी हो, मैंने अभी इलेक्शन काफी दूर है, मेरे ख्याल से आजकल में तो इलेक्शन नहीं है, इस मंथ में तो इलेक्शन नहीं है, या नेक्स्ट मंथ में मार्च में तो इलेक्शन नहीं है, तो ये तो इलेक्शन के आसपास का मुद्दा नहीं है। और मुद्दा अगर इलेक्शन के दिन भी होता तो भी इतना ही होता, और एक साल पहले होता तो भी इतना ही बवाल होता, क्योंकि ये जो गलत है उसको गलत कहने में कोई बुराई नहीं है और उसके खिलाफ खड़ा होने में कोई बुराई नहीं है। ये सारे जितने विपक्ष वाले हैं ये मणिपुर में कैसे खड़े थे, पूरी कार्यवाही नहीं होने देते थे, क्या क्या रास्ते रोक के खड़े होते थे, कितनी गालियां दी जाती थी उसमें। नीता जी हमारे पास अब वक्त कम है, इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। संदेश खाली पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं, वही संदेश खाली विवाद के बीच अब पीएम मोदी ने भी पश्चिम बंगाल के दौरे का ऐलान किया है और 1 तारीख 2 तारीख और 6 तारीख को जा भी रहे हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि संदेश खाली की यह सियासत आने वाले लोकसभा चुनाव को कितना प्रभावित करती है और पश्चिमी बंगाल सरकार कैसे संदेश खाली के विवाद से अपने आप को बाहर निकालती है। हमारे साथ नीता वाजपेयी जी बीजेपी की तरफ से जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभंकर भट्टाचार्य जी टीएमसी की तरफ से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हमारे साथ राहुल तलन जी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए मेरे साथ TV27 न्यूज़ में इतना ही, बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए TV27 न्यूज़ के साथ।